कांग्रेस से गठबंधन शिवसेना के लिए बन रहा अभिशाप। पहले शिंदे, फिर सत्ता, अब गया नामो निशान। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से पहले उद्धव गुट को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और निशान पर लगाई रोक। अंधेरी विधानसभा में भाजपा ने छीना था शिवसेना का लक। महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित करने के लिए कांग्रेस से किया गया गठबंधन उद्धव के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। लगभग ढाई वर्षों तक सत्ता सुख भोगने के बाद उद्धव के लिए मुश्किलें शुरू हो गई। पहले एकनाथ शिंदे जैसे बड़े नेता ने साथ छोड़ा, तो इसके कुछ ही दिनों बाद सत्ता भी हाथ से चली गई। अब हाल ही में चुनाव आयोग के फैसले के अनुसार अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही उद्धव के हाथ से चले गए। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस का साथ कई बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बोझ की तरह रहा है। कांग्रेस से गठबंधन न केवल इन पार्टियों को धरातल की ओर ले गया, बल्कि उनके अस्तित्व पर खतरा बन गया था। इनमें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। यही वजह रही कि बाद में अखिलेश ने अपनी सपा को और तेजस्वी ने अपनी राजद को कांग्रेस के साये से भी दूर कर लिया। इन्हीं पार्टियों जैसा हाल उद्धव की शिवसेना का भी हुआ। अब चूंकि उद्धव से पार्टी का नाम और चिन्ह दोनों ही छिन गए हैं, तो ऐसे में अंधेरी विधानसभा उपचुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान होता दिख रहा है। वैसे अंधेरी विधानसभा में कुछ दिनों पहले शिवसेना का लकी कार्यालय छीन कर भाजपा ने उद्धव गुट का मनोबल तोड़ दिया था। अब चुनाव आयोग के इस फैसले को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शायद सही मायने में वह कार्यालय शिवसेना के लिए लकी था। सुर्खियां न्यूज के लिए मैं विनोद यादव, ब्यूरो रिपोर्ट।